हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हबानसू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, आज हमारा प्रकरण है रस। आज हम आपको रस पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है रस की परिभाषा। देखिए रस क्या है, आपने बहुत बार सुना है रस होता क्या है। परिभाषा के अंतर्गत काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने तथा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है या आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई कहानी सुनी, आपने कोई अभिनय देखा या फिर आपने कोई नाटक देखा या काव्य कविता पढ़ी, उसे पढ़ने के बाद आपको जैसे ही आनंद प्राप्त होता है, आनंद मिलता है या आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। सबसे पहले रस का सूत्र आता है कि रस का सूत्र क्या होता है, विभावन भाव व्यभिचारी संयोगा रस रस निष्पत्ति, ये रस का क्या है, सूत्र है। इसके बाद आता है रस के अवयव। रस के अवयव चार हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं रस के। इसके बाद आता है रस के भेद। देखिए रस के भेद 11 बताए गए हैं, जिनमें से क्रम से आपके सामने लिखा हुआ है। पहला रस है श्रृंगार रस, जो सभी रसों का मुखिया, सभी रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के सामने से स्थाई भाव भी लिखे हुए हैं सभी रसों में। श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति। यह रति प्रेम से संबंधित है, एक स्त्री विशेष से संबंधित है। अर्थात श्रृंगार रस कहाँ आता है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के मिलने या बिछुड़ने का जहाँ भी वर्णन हो वहाँ होता है श्रृंगार रस। दूसरी बात कि जहाँ प्रकृति विशेष का वर्णन हो वहाँ भी श्रृंगार रस की मौजूदगी होती है। उसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास अर्थात हंसी। यहाँ हास्य रस कहाँ होता है, हास्य रस जैसे आपने कोई बात सुनी, जैसे आपने कोई नाटक देखा और आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए, वहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस। तीसरा होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। शोक का अर्थ है दुख, अर्थात दुख भरी कोई बात सुनी, दुख भरा कोई दृश्य देखा तो वह कौन सा रस होगा, करुण रस। क्योंकि बेटा रसों की जो उत्पत्ति होती है वो अकस्मात होती है, अचानक होती है, स्वतः होती है, प्रकृति प्रदत्त है। इसके बाद आता है वीर रस, जहाँ भी वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जहाँ जो से संबंधित बात होती है, खून खोलने से संबंधित बात होती है वहाँ कौन सा रस होता है, वीर रस। इसके बाद है रोध रस। रोध रस का स्थायी भाव है क्रोध, आवेग, आवेश अर्थात क्रोध से संबंधित जहाँ भी कोई बात या कोई कथन या कुछ चित्रों के माध्यम से, जैसे आप देखेंगे कोई घटना ऐसी घट जाती है आपके सामने कि आपको गुस्सा सा आता है तो वहाँ कौन सा रस होता है, रोध रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। इसके बाद है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। सातवां रस है विभक्त रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। जहाँ भी नफरत से संबंधित कोई बात हो, आपने कोई ऐसा दृश्य देखा, कोई ऐसी वस्तु देखी जिससे आपको बहुत अधिक नफरत होती है, घृणा होती है, तो वहाँ कौन सा रस होता है, विभक्त रस। आठवां है अद्भुत, अर्थात इसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्यजनक, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो भी घटना है, जो भी बात है, जो भी वर्णन है वहाँ कौन सा रस होता है, अद्भुत रस। नवा है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेग, जिसको हम सम भी कहते हैं। दसवा है वात्सल रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल, ये भी प्रेम से संबंधित है, लेकिन ये प्रेम कैसा प्रेम, माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं वहाँ कौन सा रस होता है, वात्सल रस। और लास्ट है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव भी रति बताया गया है, रति का अर्थ प्रेम। लेकिन श्रृंगार रस में और भक्ति रस में क्या अंतर है, श्रृंगार रस में नायक नायिका के मिलन का, उसके अलग होने का वर्णन होता है, वो नायक नायिका का प्रेम माना गया है। और भक्ति रस में जो रति है, प्रेम है, वो ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति जो प्रेम प्रकट किया जाता है वो होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं श्रृंगार रस के बारे में। जो हमारा पहला रस है सभी रसों का राजा माना जाता है, जिसका स्थायी भाव है रति, रति का अर्थ प्रेम। तो यहाँ श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई है, जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था
वर्णन किया जाता है वाकौन सरस होता है श्रृंगारस। फिर से देखिए एक बार, जहाँ भी कोई प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, नायक नायिका मिलते हैं, तो वहाँ मिलन घड़ी का जहाँ वर्णन होता है वहाँ कौन सरस होता है श्रृंगारस। श्रृंगारस में दो भेद है, पहला है संयुक्त श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। देखिए संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस में क्या अंतर है। जब श्रृंगार रस के भेद देखिए, हम श्रृंगार रस अभी पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस के भेद है दो, पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। कहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ प्रेमी प्रेमिका से मिलता है या प्रेमिका प्रेमी से मिलती है, तो जहाँ मिलन घड़ी का वर्णन होता है वहाँ होता है संयोग श्रृंगार रस, और जहाँ प्रेमी प्रेमिका से बिछुड़ता है, अलग हो जाता है, वहाँ कौन सा रस हो जाता है? वियोग श्रृंगार रस। देखिए एक एक उदाहरण दोनों के लिए गए हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस का, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभी ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रहती आपनी कोरी। इसमें पहले उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा से पहली बार मिलते हैं तो पूछते हैं कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा, तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए राधा कहती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आई, हम अपनी कोनी में ही खेलती रहती है। तो ये था संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। अब यहाँ दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नयन की गो, फकरे भुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जो। जब श्री कृष्ण गोपियों से वादा कर मथुरा चले गए थे और उनके द्वारा भेजा गया योग संदेश जब उद्धव गोपियों के पास लेकर आया था, तो गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के विषय में उद्धव से कि श्री कृष्ण ने तो अपनी चंचल नेत्रों से पल भर में ही हमारे मन को चुरा लिया। हमने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक और बल पूर्वक अपने हृदय में बसा रखा था, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़कर मथुरा चले गए। देखिए ये था योग श्रृंगार रस का उदाहरण और ये था संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। देखिए बच्चों आज की इतना ही काफी है, शेष जो रस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।